अस्तु नमो अरन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोवे सवसाहूनम्। तत्वज्ञान पाठमाला भाग दो, और उसमें अपन पहला ही चैप्टर, पहला पार्ट महावीराष्टक स्तोत्र अपन देख रहे हैं। बहुत ही सुंदर महावीर भगवान की स्तुति गाई गई है, स्तुति की गई है। उसमें अपन ने चार छंद देखे थे, अब आज अपन पांचवा छंद चालू करेंगे। पांचवे छंद में क्या वर्णन किया है, पांचवे छंद में जो उनकी वाणी में जो अनेकांतात्मक वस्तु स्वरूप, उनकी जो वस्तु स्वरूप को बताने वाली जो श्यादवाद शैली है, उसका निरूपण महावीर भगवान श्यादवाद शैली के माध्यम से करते हैं। अनेकांतात्मक वस्तु स्वरूप का निरूपण कौन सी शैली के द्वारा करते हैं, श्यादवाद शैली के द्वारा करते हैं। उसका वर्णन पांचवे छंद में है, बहुत ही सुंदर छंद है, अपन साथ में पढ़ते हैं। कनत् स्वर्णाभासो व्यपगत तनुर ज्ञान निवहो विचित्रात्मा पेको नृपतिवर सिद्धार्थ तनय अजन्मापी श्रीमान विगत भवरोद्भुत गति महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। क्या कहा, कनत माने सोना, कनत माने क्या, सोना, बराबर सोना, स्वर्ण, स्वर्ण आभा, आभा माने स्वर्ण की, स्वर्ण के समान, स्वर्ण की जो किरण, बराबर। कनत स्वर्ण आभा माने तपाया हुआ सोने के समान, तपाए हुए सोने के समान आभा वाला, बराबर आभा वाले, हाँ सोने, तपाए हुए सोने के समान आभा वाले। फिर क्या है, अपगत, अपगत, अपगत तनु, अपगत तनु माने कैसे है, शरीर रहित है। देखो महावीर भगवान के शरीर का वर्ण की बात की यहाँ पे ना, विरोध, हाँ विरोधाभास अलंकार इसमें है, विरोधाभास अलंकार का प्रयोग किया माने आपको विरोध, विरोध दिखेगा। यहाँ पे पहले बताया कि महावीर भगवान के शरीर का कलर कौन सा है, स्वर्ण, येल्लो, सोने के समान, सोने के समान, तपाए हुए सोने के समान। और अब कह रहे हैं कि हे जिनेन्द्र भगवान, हे महावीर भगवान, आप अपगत हो, अपगत हो माने शरीर रहित हो, हाँ अपगत तनु माने आप शरीर रहित हो। ख्याल रहा है, एक बाजू कह रहे हैं शरीर का वर्ण ऐसा है, और एक बाजू क्या कह रहे हैं, आप कैसे हो, देह रहित, शरीर रहित हो। पर फिर कहा, एक शब्द आया ना, ज्ञान निवह, ज्ञान निवहो, निवहो है ना, तो ज्ञान शरीर वाले हो, आप कौन से शरीर वाले हो, ज्ञान शरीर, हाँ ये औदारिक शरीर वाले नहीं, आप कौन से शरीर वाले हो, ज्ञान शरीर वाले हो। फिर दूसरी लाइन में कहा, विचित्रात्मा पेको, विचित्रात्मा माने आप विचित्र आत्मा वाले हो। क्यों आप विचित्र आत्मा हो, क्योंकि आपका शरीर ज्ञान शरीर है ना, आपके केवल ज्ञान में विचित्र आत्मा अपि माने अनेक रूप वाले होते हुए भी, अनेक चित्र विचित्र रूप होने के बावजूद भी, माने अनेक विचित्र चित्र चीजें आपके ज्ञान में झलकने के बावजूद भी, आप कैसे हो, अनेक गिने वाले नहीं हो गए, आप कैसे रहे हो एक रहे हो, समझ में आ रहा ना, आप अनेक रूप नहीं हो गए, भले आपके ज्ञान में अनेक चीजें झलकती है, पर आप तो कैसे रहे एक, ये भी विरोध हो गया ना, अनेक झलकने के बावजूद भी आप एक हो, शरीर का वर्ण सुवर्ण तपाए हुए सोने के समान होने पर भी आप शरीर रहित हो। अब तीसरी लाइन, अजन, फिर देखो यहाँ ऊपर ही लिखा है, नृपति वर सिद्धार्थ तनय, नृपति माने राजा, नृपति माने राजा, और वर माने श्रेष्ठ, सारे राजाओं में श्रेष्ठ कौन थे, सिद्धार्थ राजा, उनके पिता, उनके आप तनय, तनय माने आप उनके पुत्र थे, मेरा पुत्र हो,
अब आप उनके पुत्र होने के बावजूद भी फिर लिखा अजन्मापी श्रीमान अजन्मापी अजन्मापी माने आप जन्म रहित आप कैसे हो जन्म रहित हो हमारा है एक बाजू कह रहे आप सिद्धार्थ भी हाँ होते मतलब हुए भी अपी मतलब भी अजन हाँ अजन्मापी माने जन्म से रहित होते हुए भी ख्याल आ रहा है कि नहीं सिद्धार्थ राजा के कौन हो आप पुत्र हो ख्याल आ रहा है जन्म से रहित होते हुए भी आप सिद्धार्थ राजा के पुत्र हो ख्याल अजन्मापी श्रीमान श्रीमान माने लक्ष्मी श्रीमान माने वैभव बराबर लक्ष्मी से संपन्न कौन सी लक्ष्मी से संपन्न अंतरंग और बहिरंग लक्ष्मी से संपन्न अंतरंग लक्ष्मी कौन सी होती है भगवान को आत्मा अनंत चतुष्टयी अच्छा है ना अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर्य और बहिरंग लक्ष्मी बहुत बढ़िया बहिरंग लक्ष्मी समोशरण आठ प्रातिहार्य आदि ये सब बहिरंग लक्ष्मी उससे आप कैसे हो संपन्न हो पर श्रीमान होते हुए भी आप विगत हो श्रीमान विगत विगत माने राग नहीं है राग नहीं है बराबर भव रागोद भूत भव के भव में होने वाला जो राग है ना संसार संबंधी राग उससे आप कैसे हो रहित हो आहा क्या लग रहा है माने अंतरंग और बहिरंग लक्ष्मी होने के बाहर से इतनी लक्ष्मी होने के बावजूद भी आप भव के राग से रहित हो है ना ये पूरा छंद हाँ अद्भुत गति माने आश्चर्य मोक्ष गति आश्चर्यशील हो क्या हो आप आश्चर्यों के निदान हो आश्चर्यशील हो इसमें हमको क्या लगता है आश्चर्य लगता है कि इतनी बार में वैभव होने के बावजूद भी आप कैसे हो राग से रहित हो है ना फिर आप शरीर रहित होने के बावजूद भी आपका शरीर का कलर तपाए हुए सोने के समान है फिर आप अजन्मा होने के बावजूद भी आप सिद्धार्थ राजा के पुत्र हो और आप अनेक गने झलकने पर भी आप अनेक रूप नहीं हुए आप कैसे हो एक हो क्लियर एकदम फिर लास्ट लाइन में कहा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे माने हे महावीर भगवान आप मुझे अब ऐसे मेरे स्वामी मेरे महावीर भगवान स्वामी के ऐसे मुझे दर्शन प्राप्त हुए हाँ माने आप हमेशा मेरे हृदय में बसो ख्याल रहा है कि आप हमेशा मेरे नयन पथगामी बनो बराबर अब देखो आगे छठे नंबर का छंद अब छठे नंबर में किसका वर्णन है उनकी जो एतो वाणी है ना भगवान की वाणी वो छठे नंबर के छंद में भगवान की वाणी का वर्णन किया है हितोपदेशी पना का कैसा है वो हितोपदेशी पना अपन पढ़ते हैं पहले यदि गंगा विविध नय कल्लोल विमला बोबीर जगति जनताम यास्न पयति इदानीम पेशा बुध जन्म राले परिचिता महावीर स्वामी नयन पथ गामी भवतु मे कितना बढ़िया छंद है यहाँ पे कहते हैं यदिया माने जिनकी वाग गंगा वचन रूपी गंगा वाक प्लस गंगा हाँ वाक प्लस गंगा चंदी विच्छेद करो तो वचन रूपी गंगा विविध माने अनेक आपकी जो वचन रूपी गंगा है ना जो ओम ध्वनि है वो कैसी है अनेक प्रकार के नयों के लहरों के कारण नयों के लहरों के कारण माने आपकी जो वाणी है ना वो कैसी है श्यादवादमयी नई रूप है चला हाँ। उनकी शैली कैसी है श्यादवाद नई रूप है बराबर तो कलोल माने लहरे लहर नयों के लहर तरंगे नयों के तरंगों के कारण नयों की लहरों के कारण विमला माने निर्मल आपकी वाणी कैसी है निर्मल है माने कहीं पे भी उसमें एकांत का दोष नहीं आता किसका दोष नहीं आता एकांतवाद बराबर एकांत का विष नहीं आपकी वाणी में बराबर क्योंकि आपकी वाणी नई रूप है श्यादवाद नई रूप है क्लियर अब दूसरी लाइन में कहा
बृहत, बृहत माने विशाल, विशाल अगाध, बृहत बृहत ज्ञान, अम्बो अम्बो बी, नाम क्या है अम्बो अम्बो बी, अम्बो मतलब जल होता है, अम्बो बी माने ज्ञान रूपी द्वारा, जल द्वारा, हाँ बराबर, ज्ञान रूपी अम्बो बी माने जल, तो ज्ञान रूपी जल के द्वारा जगति, जगति माने जगत को, जगत में जनताम माने जो जगत के जनता है ना, जीव है, या माने जो जो उनको स्नपयति माने क्या कराते हो, आप स्नान कराते हो, क्या लग रहा है आपकी वाणी के द्वारा जगत के सारे भव्य जीव उसमें क्या करते हैं, स्नान करते हैं, क्या लग रहा है, स्नपयति पयति माने उसमें सब क्या करते हैं, स्नान कर, हाँ ये वाणी, वाणी में सारे भव्य जीव क्या करते हैं, स्नान, दो दो लाइन का अर्थ करोगे बोलो, ये जो जिनकी वाणी रूपी गंगा में इदानी, इदानी इदानी माने इस समय, इस समय इदानी माने इस समय, इस समय बराबर, अपि 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 एषा, अपि माने भी, यह माने पहले उस समय जब महावीर भगवान थे तब तो ये उपकारी थी वाणी, तो अभी महावीर भगवान नहीं है तो उपकारी है कि नहीं, रहेंगे ना, तो इस समय भी ये कहना चाहते, इस समय भी बुद्ध जन, बुद्ध जन माने विद्वत लोग, ज्ञानी लोग, बराबर ना, मराले, मराले माने हंस, मराले किसको कहते हैं, हंस, बराबर, मराले हंस के, हंसों के द्वारा माने ज्ञानियों को किसकी उपमा दी, हंस की, ज्ञान ज्ञानी ज्ञान ज्ञानी जन रूपी हंस के द्वारा, ये अभी भी वो वाणी कैसी है, सबको परिचिता माने सबको क्या है, परिचित है, ख्याल आ रहा है कि नहीं, है ना, ऐसा यहाँ पे कहा कि ज्ञानी जन द्वारा भी अभी भी ये वाणी क्या है, सबको परिचित है, महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे, मेरे नयन पथगामी बनो, बनो, है ना, इसमें यहाँ पे उनकी वाणी में नय के द्वारा कथन आता है इसलिए निर्मल है, और दूसरा कहा कि उनकी वाणी ज्ञान रूपी जल के, जल के, जल में क्या करते है सब जगत के जीव, स्नान करते है, और पहले ही उपकारी थी ऐसा नहीं, अभी भी उपकारी है, क्यों? और ये विद्वत जन जो हंस रूपी है इनके, हाँ, द्वारा परिचित, इनके द्वारा परिचित है, साथ में नंबर का छंद, ई काम सुबत कुमारावस्थाया मपि निज बलादेन विजति नित्यानंद प्रकट महावीर स्वामी नयन पथ गामी भवतु मे, क्या कहा, अनिर्वार, अनिर्वार माने, अनिर्वार माने सरलता से नहीं नहीं रोका जाने वाला, सरलता से जो रोका नहीं जा सकता, बराबर ना, रोका नहीं जा सकता, इतना याद रखो, रोका नहीं जा सकता, और उद्रेक, उद्रेक माने वेग, उद्रेक माने वेग से, तेजी से, जल्दी से, समझ में आया, अब क्या, तो त्रिभुवन जयी, आप तीन लोकों को जीत लेने वाले हो, आप क्या हो, वेग से, जल्दी से, तेजी से, आपने किसको जीता, काम को, तीन लोगों को जीतने वाले हो, काम सुबट को, बराबर, काम सुबट माने योद्धा, काम सुबट पांच इंद्रिय के, पांच इंद्रिय के विषय, हाँ पांच इंद्रिय के सुबट माने तो योद्धा, पर काम रूपी वासना को आप क्या करने वाले हो, जीतने वाले हो, इसलिए आप कैसे हो, योद्धा हो, आप कैसे हो, योद्धा हो, चलो, और कब आपने जीता, बाल्यकाल में, हाँ नीचे की लाइन में लिखा है कुमार अवस्थाई, बराबर, बाल्यवस्था, छोटी सी उम्र में ही आपने क्या कर लिया, आपने क्या कर लिया, जो तीन लोग उसके वश है, बराबर, आपने उसको क्या कर लिया, जीत लिया, उसको ही जीत लिया, ठीक है ना, बराबर, अब क्या कहा, और कैसे जीता,
निज बलात माने आत्मबल के द्वारा आपने उसको कैसे जीता, आत्मबल के द्वारा आपने उसको जीत लिया, ठीक है ना। अब का क्या कहते हैं, येन माने जिसके द्वारा विजती, उसके द्वारा विजित माने जीतना, जिसको आपने जीत लिया किसके बल से, आत्मबल के द्वारा। अब नेक्स्ट लाइन में स्फुरन नित्यानंद क्या हुआ, स्फुरत माने प्रकट होना, क्या प्रकट हुआ, तो नित्यानंद नित्य रहने वाला आनंद, बहुत बढ़िया, नित्य रहने वाला आनंद प्रकट हुआ। और प्रशम पद, शांतिमय पद, मोक्ष पद, बराबर उच्च पद, रूपी राज्याय माने राज्य, समझ में आ रहा है, कैसा राज्य, शांति पद का राज्य जो नित्य क्या करता है, आनंद देने वाला है, ऐसा आपने क्या कर लिया, ऐसे राज्य को विराजित कर लिया, आपने प्रकट कर लिया, स्फुरत आया, आपने क्या कर लिया, प्रकट कर लिया, है ना। फिर कहा सहजिन, वह कौन है, वह कौन है जिनेन्द्र देव है, मतलब, हे महावीर स्वामी, मतलब आप मोक्ष पद पर विराजित हो, हाँ ऐसे आप कौन हो, जिन हो आप, जिनेन्द्र भगवान हो। दो बात आई इसमें, तो एक बात तो ये आई कि आपने बहुत ही वेग पूर्वक तेजी से नहीं रोके जाने वाले, ऐसे आपने जिसमें अपने अनिर्वाद वेद से तीनों लोकों को जीत रखा है, ऐसे काम रूपी योद्धा को आपने आत्मबल से कुमारावस्था में ही जीत कर, बहुत बढ़िया, नित्य आनंद से शांत पद पर आप विराजित है, इसलिए आप ऐसे भगवान महावीर स्वामी मेरे नयन पद गामी बने। बहुत बढ़िया। चलो लास्ट छंद अपन साथ में बोलेंगे। महामोहातंक प्रशमन पराकस्मिक भीष निरापेक्षो बंधुर्विदित महिमा मंगलकर शरण्य साधूनां भव भय भ्रतामूत्तम गुणो महावीर स्वामी नयन पथ गामी भवतु मे। क्या कहते हैं यहाँ पे देखो, महामोहातंक माने आतंक माने रोग, तो महा आतंक माने महारोग को आपने, कौन सा रोग माने महारोग को प्रशमन माने शांत करने में लगे हुए, बराबर, जो रोग को शांत करने में लगे है, नपर माने शांत करने में जो लगे है, प्रशमन परा, बराबर माने प्रशम नपरा नपर माने शांत करने में लगे है, ख्याल आ रहा है, जो रोग को शांत करने में लगे है जो लोग, और उनको फिर यहाँ पे है ना शब्द आकस्मिक माने अचानक, माने किसी को एकदम रोग हुआ हो, रोग से खूब पीड़ित हो और अचानक आकस्मिक माने अचानक कोई विशग माने वैद्य, कोई वैद्य आ जाए, है ना, और वैद्य आ जाए तो कितनी शांति लगती है ना, रोग से बहुत पीड़ित हो और कोई वैद्य आ जाए तो उसको कितनी शांति हो जाती है, चल रहा है, ऐसे यहाँ पे कह रहे हैं कि आप ऐसे ही हो, आप कैसे हो, हाँ वैद्य जैसे हो, निरपेक्ष माने आप निरपेक्ष हो, निस्वार्थ हो, जगत के लोग तो कैसे होते हैं, स्वार्थी होते हैं, पर आप कैसे हो, निस्वार्थ, आप निस्वार्थ हो, बंधु आप कैसे हो, बंधु हो, इष्ट जन बराबर, विदित माने जिनकी महिमा पूरे लोक को ज्ञात है, आपकी महिमा पूरे लोगों में परिचित है, आपकी महिमा सबको पता है, ख्याल रहा है, ऐसे आप कैसे हो, मंगल करने वाले हो, समझ मारा, आप कैसे हो, मंगल करने वाले हो, माने मोह रूपी रोग को शांत करने में तत्पर
आकस्मिक उपलब्ध वैद्य हो और आप निस्वार्थ बंधु हो और जिसकी महिमा समस्त लोक में कैसी है, परिचित है, विदित है माने परिचित है, जो मंगलकार मंगलकारक है। अब नेक्स्ट लाइन में कहा शरण्य, आप किसके लिए आप कैसे हो, शरणदाता। हाँ, किसके लिए शरणदाता हो, हम संसारी जीवों के लिए। हाँ, साधु नाम माने जो जो जीव जो साधुओं के लिए जो संसार से, यहाँ पे कहा ना भव भई ब्रुता मुत्तम गुणो, माने जो संसार में भव के भय से जो भरे हुए है, डरते हैं ऐसे जीवों के लिए, और जो उत्तम गुण वाले हैं, हाँ, संसार से भयभीत है और उत्तम गुण वाले हैं, ऐसे जीवों के लिए आप कौन हो। उत्तम गुण भगवान को बोलाऊंगा ना कि आप उत्तम गुण के धारी हो। नहीं, जो जीव है ना उनको कहा, वे भगवान महावीर आप शरणभूत हो, आप किसके लिए शरणभूत हो, आप सब जीवों के लिए। महावीर भगवान उत्तम गुण से संपन्न है और किनके लिए शरणभूत है, जो संसार से डरे हुए जीव, जो संसार से भयभीत है उनके लिए आप शरणभूत हो। ख्याल आया, एक बार शॉर्ट में पहली दो लाइन में क्या कहा, आप महामोह रूपी रोग को शांत कराने के लिए अनोखे वैद्य हो। बहुत बढ़िया। फिर जीव आप मात्र कैसे हो? के लिए आप निस्वार्थ बंधु हो। बहुत बढ़िया। फिर जिनकी आपकी महिमा से सारे लोग परिचित है। हाँ। और आप कैसे हो, आप मंगलमय हो। वेरी गुड। और जो संसार से डरे हुए जीव है उनके लिए शरणभूत हो। हाँ। शरणदाता हो। हाँ। ऐसे उत्तम गुणधारी महावीर भगवान आप मेरे नयन पदगामी बनो। वेरी गुड, कितना बढ़िया आपने अर्थ कर दिया वापस एक बार, है ना। ठीक है, अब ये समझ में आया। अब लास्ट के दो लाइन का दोहा है, अब दोहा बोलेंगे अपन पहले साथ में। महावीराष्ट्रकम् स्तोत्रम् भक्त्या भागेन्दुना कृतम् यः पठेत् शृणुयाच्चापि स याति परमां गतिम्। क्या कहा, महावीराष्टकम् माने महावीराष्टक नाम वाला, स्तोत्रम् माने स्तोत्र, भक्त्या भक्ति के वशीभूत हुए हो, भागेन भक्ति के वशीभूत हुए हो, ऐसे भागेन्दुना माने कवि वर भागचंद्र के द्वारा कृतम माने रचित किया गया है। ये स्तोत्र किसके द्वारा किया गया है, भागचंद जी के द्वारा। फिर यह माने जो पठेत माने पढ़े, पढ़ता है, सुनता है, श्रुनुयात माने जो सुनते हैं, बराबर ना, सुनाता है। हाँ। और अपि भी वह याति प्राप्त करता है, किसको, परम गतिम को माने उत्कृष्ट गति को प्राप्त करता। माने जो पढ़ता है बराबर सुनता है उनको क्या प्राप्त होती है, परम गति मोक्ष गति प्राप्त होती, उत्तम गति को प्राप्त करते हैं, किसको, मोक्ष गति को प्राप्त करते हैं। ऐसे ये कविवर भागचंद जी ने इतना बढ़िया क्या लिखा, महावीराष्टक स्तोत्र लिखा। किस कौन सी भाषा में लिखा है, संस्कृत भाषा में लिखा है। उनके दो कोई भी रचना के नाम, अमित गति। हाँ। और एक और मैं कल बताया था ना, अमित श्रावकाचार्य भाषा वचनिका, नेमिनाथ पुराण। वेरी गुड, नेमिनाथ पुराण बराबर। इनकी कितने साल की आयुष थी, 56। ये कहाँ के रहने वाले थे, वो ग्वालियर के पास में एक गांव है उसका ईसागढ़ के रहने वाले थे, ठीक है ना। और इनकी संस्कृत प्राकृत और हिंदी सब भाषा में क्या विशेषज्ञ थे, हाँ विशेषज्ञ थे, मर्मज्ञ थे। ऐसे ये सुंदर महावीराष्टक स्तोत्र हमें याद कर लेना चाहिए, और जब भी हम भगवान के दर्शन करने जाए तब हमें ये महावीराष्टक स्तोत्र बोलना चाहिए। निज निधि निज में बताए यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवानी माँ को वंदना शत बार है। बोलो नंतानंद सिद्ध परमेश्वर भगवान की जय हो। द्वादशांग में जिनवानी माता की जय हो। मुनि राजो सट्टे छाते गुणस्थान में झूलने वाले मुनि राजो की जय हो।
महान जैन धर्म की जय हो, जय हो।